नक्सली उत्तर बस्तर डिवीजन नुआपाड़ा प्रोटेक्शन समन्वय टीम कमांडर एवं उप कमांडर को गश्त टीम द्वारा हथियार के साथ पकड़ने में सफलता मिली है। नक्सली विनोद अवलम उर्फ उंगा के पास से 12 बोर देशी कट्टा, 5 राउंड और आंसू कोरचा से 8 mm पिस्टल 6 राउंड के साथ जब्त किया गया है। कांकेर SP दिव्यांग पटेल ने बताया कि कांकेर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 5-5 लाख के इनामी दो नक्सली कमांडर विनोद अवलम और आरसू कोरचा गिरफ्तार किए गए हैं। ये नक्सली कई घटनाओं में शामिल थे, दोनों से पूछताछ की जा रही है। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें DRG और BSF के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान दो नक्सली कमांडर विनोद अवलम जो कि समन्वय टीम कमांडर के रूप में काम करता है और आसू कोसा जो कि समन्वय टीम डेप्यूटी कमांडर के रूप में काम करता है, दोनों 5-5 लाख के इनामी है। इस प्रकार कुल 10 लाख के दो इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि कुएमारी और आसपास के क्षेत्र में काफी घटनाओं में शामिल रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण घटना घुमजीर में नगर सैनिक की हत्या, उसेली में आर्मी जवान की हत्या और एक IED में ग्रामीण की हत्या भैंस गांव में, ये महत्वपूर्ण घटनाओं में ये लोग शामिल हुए थे। कांकेर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। लगातार पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जाता है और इनका भी इंट्रोगेशन डिटेल में हो रहा है और भी चीजें इसमें आगे बाहर आएगी। तो बाहर का है भैया,